गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच एक्सरसाइज 8. ओके, टेक आउट पेज नंबर 69, एक्सरसाइज 8. आपको मैं वर्कशीट में से समझा रही हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व एंड जर्नलाइज द फॉलोइंग नंबर्स पैटर्न अप टू टू टर्म्स. ये पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं. अब आपको उसमें देखना है इसमें कितना डिफरेंस है. जितना डिफरेंस होगा उस वैसे ही आगे भी इसके आंसर में भी वैसे ही करना. आपको 6-10 में देखेंगे कि कितना डिफरेंस है. आप 6-3-7 से काउंट करेंगे 10 तक. 7-8-9-10, 4 का डिफरेंस है. फिर आप देखिए 10 और 14 में कितना डिफरेंस है. 11-12-13-14, इसमें भी 4 का डिफरेंस है. 14 से 18 में देखेंगे 15-16-17-18, सब में 4-4 का डिफरेंस है. इसका मतलब आगे भी 4 का ही रहेगा. अब 18 है. अब 18 के आगे सब काउंट करेंगे आप 19, 20, 21, 22. 4 तक ही देखना है क्योंकि 4 का डिफरेंस था, इसलिए 4 तक ही देखना है. तो कितने आए आंसर, 22. अभी एक और करना है आपको, फील करना है. 22 है. अब 23 से काउंट करेंगे 23, 24, 25, 26. आएंगे 26. सेकंड है. अब इसमें देखते हैं कितना डिफरेंस है. पर ये 35 से, मतलब ये कम में जा रहा है, तो कम में देखना है. मतलब 35 से 29 में कितना डिफरेंस है. 35, तो अब बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग देखेंगे. 35 है, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 6 का डिफरेंस है. अब 29 से 23 में देखेंगे कितना डिफरेंस है. 29 है, 28, 27, 26, 25, 24, 23, इसमें भी 6 है. मतलब इनमें 6 का डिफरेंस है. तो आप 17 ही देखेंगे, पर आप बैकवर्ड काउंटिंग बोलेंगे. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, यहाँ पे आएंगे 11. 11 है. अब 11 का भी करेंगे आप बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ए. सेकंड क्वेश्चन है बी. राइट द रूल एंड फिल इन द मिसिंग नंबर इन ईच. फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4, 1/2, 3/4. इसमें कितने कितने मतलब डिफरेंस है. रूल बाय एडिंग, मतलब इसमें कितने ऐड किए. 1/4 ऐड किए. 1/4 में 1/4 ऐड किया तो 1/2 हुआ. 1/2 में 1/4 ऐड किया तो 3/4 हुआ है. 3/4 में 1/4 ऐड किया है तो 1 बना है. अब 1 में भी आप ऐड करेंगे 1/4. लिखा 1 एंड 1/4. अब इसमें आपको ऐड करना है, वापस 1/4 ऐड करना है. तो 1 एंड 1/4 में ऐड करें, 1/4 में ऐड करेंगे 1/4, तो ये हो जाएंगे 1 एंड 1/2. क्योंकि 1/4 में 1/4 ऐड करते हैं तो 1/2 हो जाता है, हाफ हो जाता है. नेक्स्ट सी क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड कंप्लीट देम. ये पैटर्न है, इसमें मैंने आपको फील कर दिया. इसको बताना कैसे आप करेंगे. अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं. जैसे ये एरो दिया है ऊपर के साइड में, ये एरो ऊपर के साइड में है, फिर ये एरो सेकंड नंबर पे ये इस साइड हो गया. मतलब मैंने पेंसिल को यूं किया, फिर इस साइड कर लिया, फिर थर्ड देखी, थर्ड एरो किस साइड जा रहा है, नीचे जा रहा है. फिर पेंसिल को मैंने नीचे घुमाया, तो आप बताइए पेंसिल कौन से डायरेक्शन में जाएगी. इस साइड जाएगी. तो एरो हमें ऐसे बनाना है. अगर आप पेंसिल को यूज़ में लेके, किसी चीज़ को यूज़ में लेके, किसी की सहायता से अगर आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा एरो किस साइड लेना आपको. मैंने इस साइड बनाया एरो को. नेक्स्ट नंबर पे कैसे बनाएंगे, अब इसको वापस आप ऊपर की साइड ले लेंगे. तो ये लास्ट वाले में हमने एरो ऊपर की साइड में बना लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, कंप्लीट द सीरीज. इसमें भी ऐसे करना है, ब्लैंक दे रखा है. इसमें कैसे फील करना है, कितने का डिफरेंस है. पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे 7-12 में कितने का डिफरेंस है. तो हम 7 से काउंट नहीं करेंगे, उसके आगे से काउंट करेंगे. 8, 9, 10, 11, 12, 5 का डिफरेंस है. 12 और 17 में भी देख लेते हैं हम कितने डिफरेंस है. 13, 14, 15, 16, 17, मतलब इसमें भी 5 का डिफरेंस है. मतलब सब में 5 का डिफरेंस है. अब हम आगे देखते हैं 22 है.
हम 5 तक ही देखेंगे, 23, 24, 25, 26, 27, मतलब यहाँ आएंगे 27। लास्ट वाले में भी हम ऐसे करेंगे, 27 है, 5 का डिफरेंस रखना है, 28, 29, 30, 31, 32, लास्ट में आएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पैटर्न्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे फिल करना है। अब आप देखिए, ये नीचे नंबर दिए 1, 2, 3, 4, उसके ऊपर दिया है 2 और 12 दिखा है, मतलब 1 और 2 से 2 बना है। कैसे बना है, मल्टीप्लाई करने पे बना है, प्लस करने पे या माइनस करने पे, आपको सोचिए। ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, पर यहाँ तो 2 है, माइनस करने पे 1 आता आंसर, तो मतलब ये माइनस करने पे भी आंसर नहीं आया है, ऐड करने पे भी आंसर नहीं आया है, तो मल्टीप्लाई करने पे 2 1 2, मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया है। इसको भी चेक कर लेते हैं, 4 3 12, मतलब ये भी मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया, मतलब इसका मतलब मींस ये है कि मल्टीप्लाई करने पे ये आया है। अब यहाँ क्या आंसर आएंगे, हमको चेक करना है कैसे आंसर आएंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई इसको करने पे आएगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 2 6, इसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आंसर है। ऐसे हम इसको करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ आंसर लिखेंगे, और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर यहाँ लिखेंगे, 6 2 12। अब 6 को 12 से करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितने आंसर आते हैं, 12 6 72। अब ये ऊपर वाला नंबर भी ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 12 और 72 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आंसर आएंगे। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कितने आंसर आ रहे हैं, मैंने मल्टीप्लाई करके देखा है 864 इसके आंसर आ रहे हैं। ज़रूर नहीं इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके आंसर आए, तो सब में ही मल्टीप्लाई करके आए, आपको चेक करना होगा कि ऐड करने पे आंसर आ रहे हैं इसके, या मल्टीप्लाई करने पे, या माइनस करने पे, या डिवाइड करने पे आंसर आ रहे हैं। डिफरेंट टाइप के आ सकते हैं, ज़रूरी मल्टीप्लाई वाले हैं तो मल्टीप्लाई वाले ही आए। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट का जो क्वेश्चन है वो भी इसी पैटर्न से है, इसलिए मैंने आपको वो समझाया नहीं है, जो ज़रूरी था आपके लिए, इंपॉर्टेंट था, वही क्वेश्चन आपको मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। ओके, हैव अ गुड डे।